यहां से टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आप सभी को मैंने बताया था कि डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एक फॉर्मूला बताया था इंटरनल एनर्जी में। अगर यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर क्या होगा, जीरो 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 होगा। अगर जीरो हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनसीडी यानी कि जीरो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगी, एन सी वी इंटू जीरो यानी कि जीरो हो गया। जीरो ओके, अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार से डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे यस मैंने सर पी डेल वी के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इस प्रकार। अच्छा ये देखिए, ये जीरो है, यहाँ पे मैंने जीरो रख दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू या क्यू इक्वल टू माइनस माइनस डब्ल्यू, यस कुछ भी सर लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अब यहाँ पे देन ध्यान से सुनना ये क्या हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक पिस्टन है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन को मैंने जो है क्या करके रखा है, यहाँ पे जो है बंद करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज होगा। डिक्रीज अगर क्योंकि आपने इंक्रीज एनर्जी दिया तो ये पिस्टन कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, ऊपर ऊपर की ऊपर ओर की ओर जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, पहले 10 था अब 12 हो गया, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। जाएगा अगर वॉल्यूम पॉजिटिव आ गया तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां से भी कह सकते थे, और इसीलिए जो हमने क्या कहा कि हीट अगर जो किसी सिस्टम में देते हैं तो उसका जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यही आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बात किसके लिए कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो कहता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, या तो आप प्लस क्यू इक्वल टू माइनस लिख सकते हैं या माइनस पी, दोनों में से आपकी जो भी इच्छा है आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, आप किसी भी एक टर्म को इधर से उधर ले जा सकते हैं। वही कहता है कि हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, जितना उसने एनर्जी एक्सेप्ट किया वही वर्क डन कहलाया, या जितना एनर्जी इवॉल्व हुआ वही उसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइसोथर्मल के केस में जो हीट है वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन के बराबर हो जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आप सभी को पता होगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम 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 कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके वेरी गुड, तो यहां पे हमने क्या करा कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। ओके ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क का जो फॉर्मूला है पी डेल भी हो रहा है, सर तो जीरो आ तो जाएगा ये डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो जीरो तो जीरो आ जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्यू प्लस डेल्टा यू क्यू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो प्लस क्या मैं डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पे जीरो लिख दूं, यस सर तो हीट तो यहां से क्या हो गया कि के इंटरनल बराबर एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगी, हीट के बराबर है। हीट अब के इसको ऐसे बराबर समझे, यहां पे मेरे पास मान लीजिए एक पिस्टन है, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब ये पिस्टन पे मैंने जो है यहाँ पे जो है इस तरह से जो है बैरियर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें वर्क कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनना, अगर मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सॉरी इसमें वर्क नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा, जितना पहले वॉल्यूम होगा उतना ही होगा। तो जो आप हीट दे रहे होंगे वो हीट कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर वो हीट कहाँ, अंदर चले जाएगा, और वो किसी के अंदर जाएगा तो उस हीट को हम लोग क्या कह देंगे, इंटरनल एनर्जी कह देंगे। इसी कारण से जब क्या होता है कि जब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वहां पे जो भी इंटरनल जो भी हीट एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है ओके। तो यही कहता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर जब वहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपने क्या करा कि हीट दिया तो जो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वर्क भी नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ तो ये जो एनर्जी वो गया कहाँ, तो सारे का सारा एनर्जी जो है वो इसी सिस्टम के अंदर आ गया। तो ये सिस्टम के अंदर आ गया तो इस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, इंटरनल एनर्जी नाम दे दिया। वही कहता है कि हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो सारा का सारा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ गया, आपका इंटरनल एनर्जी के जो है फॉर्म में आ गया। अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, अगर आपने जो भी एनर्जी वहां पे क्या होगी निकलेगी तो सिस्टम इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वहां पे क्या हो जाएगा उसकी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जो है डिक्रीज हो जाएगी। ओके अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो तो मैंने कहा था हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, यही बताया था आपको मैंने पिछली क्लास में, क्या बताया था, हाँ हीट एंड ठीक है हाँ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ठीक है ये कैसा है पाथ फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, हाँ यानी कि जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ना डिपेंड करके वो रास्ते पे जो डिपेंड करते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, पाथ फंक्शन कह देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से सुन देखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कहोगे कि सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ यहाँ पे कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, तो यहाँ पे रीजन सुनिएगा ध्यान से कि जब हमने इसको हीट किया तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नो सर क्योंकि अगर हमने यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या हो गया वो उसी जगह पे रह गया। Yes, अगर देखिए ध्यान सुनिएगा तो वो किस जगह पे रह गया, इनिशियल पॉइंट पे ही रह गया, अगर yes, वो इनिशियल पॉइंट पे ही रह गया तो उसने तो वर्क ही नहीं किया, अगर वर्क ही नहीं किया तो उसके पास पाथ क्या डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं no, sir. इसी कारण से no, और उसके पास जो है यहाँ पे जो है पाथ ये जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो होता है वो क्या हो जाता है, इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। ओके okay. मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये जो होगा कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा, ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं जब आपके पास एडियाबेटिक हो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ कांस्टेंट कह दीजिए या जीरो हो जाएगा। ओके आपके पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, हाँ इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरनल एनर्जी होगा वही वर्क करेगा। यस सर, इसी क्या हो जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इंक्रीजेस, अगर इंटरनल एनर्जी आपने इंक्रीज किया तो कंप्रेस एडियाबेटिकली इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एडियाबेटिकली इंटरनल एनर्जी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी चीज को हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से ध्यान सुनिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, फिर से वही केस आ गया कि यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे वर्क तो हो रहा है, कहोगे सर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज तो हो रहा है इंटरनल एनर्जी के कारण,
लेकिन आपने बाहर से कोई एनर्जी का यूज किया ही नहीं। हाँ, यस सर। तो जिस कारण से ये कैसा हो गया, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंदर की एनर्जी ही वर्क कराएगी, या तो उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसी कारण से यहाँ पे ये कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो है डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की जो है, या मैंने आपको कहा था जो भी स्टेट फंक्शन होंगे उनकी साइक्लिक में क्या हो जाएंगे, वर्क जो है जीरो हो जाता है। यहां से डेल्टा यू क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। अगर यहां से इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस ओके, डब्ल्यू जीरो से जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नौ तो सौ यहां पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस एस डब्ल्यू ओके, तो यहां से ध्यान से सुनिए कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर वर्क जो होगा जितना ज्यादा आप उसको हीट दीजिएगा वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि जितना हीट रिलीज करेंगे वही जो है इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। एक में जो है W माइनस होगा तो एक में W पॉजिटिव होगा, और आपको पता है कि हीट के टर्म में निकालेंगे तो अगर Q की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब हीट रिलीज करेगा, और अगर वो लेता है तो Q पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपसे जो है पूछा गया है कि इसमें जो है आपको बताना है कि इसकी वैल्यू, ये टू है, ये फोर है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, टू, ये भी जो मैंने ले लिया फोर। ओके, अब यहां से मैं डब्ल्यू भी पूछ लेता हूं, डेल्टा यू भी पूछ लेता हूं। ठीक है, ओके, ध्यान से सुना कि डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हमें पता है। हाँ, माइनस ओके, अब यहां से आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास पी डेल वी के लिए तो यहाँ पे ये प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, इधर साइड जो हमारा क्या है प्रेशर है, और इधर साइड हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा था कि जब ऐसा केस आ जाए तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, ए अंडर द एरिया ऑफ सिस्टम, यानी कि जितना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/2 ट्रायंगुलर का एरिया बन इनटू, यहां पे कितना हो जाएगा, अब यहां पे देखिए 1/2 इनटू ये कितना है, टू, बेस इनटू हाइट, ये कितना है, टू, ये भी टू कितना है, टू। टू टू ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, टू। अब ये टू जूल टू हो जाएगा, जो भी जूल में दिया रहता है तो जूल में हो जाएगा, या एटीएम लीटर में दिया है तो एटीएम लीटर में, हम यहाँ पे एटीएम लीटर ही मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू जो है एटीएम लीटर में दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनना कि अब मुझे जो है क्या करना है कि इसका जो है वर्क निकालना है। अब ये जो है प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको याद हो यस तो मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज चलता है तो वर्क कैसा लेते हैं, माइनस आपको जो है माइनस लेते हैं कि प्लस यस लेते हैं, सर पॉजिटिव क्या लेते हैं। ओके, अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो कैसा ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते नेगेटिव हैं। ओके, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आपका साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज में हम लोग जो है वर्क कैसा लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, तो ये कैसा हो गया, एटीएम एंड लीटर हो गया। तो यहां से डब्ल्यू तुम्हारा एटीएम लीटर निकल गया। ओके, अब लेकिन जो है आपको मैंने कहा था साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो जीरो। तो ये जो है कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो ठीक है, ओके।
अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, इंथैल्पी पे, यानी कि आज का जो है मेन पार्ट यही है। मैं आपको सबसे पहले इंथैल्पी समझाता हूं, फिर इसकी जो है डेफिनेशन की हम बात करेंगे। मैंने एक हॉर्स ले लिया, ठीक है, हॉर्स के सामने हमने ग्रास रख, ओहो ऐसा कहां चले गया हॉर्स, अरे क्या हो रहा है, तो स्लो लिखा रहा है, HORS। मैंने हॉर्स ले लिया, हॉर्स के सामने हमने क्या रख दिया, ग्रास रख दिया, और हॉर्स को कहा कि भाई तुम जो है क्या करो, ये जो है वुड का लकड़ी को ढो। यही तो हम काम कराते हैं, जो है हॉर्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या कराते हैं, किसी न किसी चीज पर्टिकुलर में वर्क कराते हैं, या तो सवारी ढोने के काम कराते हैं, किसी चीज को जो है यूज करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, हॉर्स को क्या करेगा, घास को खा जाएगा, बोलिए। अगर हॉर्स ने घास को खा गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है इंटरनल एनर्जी, अगर उसने बहुत सारा घास खाया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये जो वुड को ढो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क, वर्क कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस घोड़े के पास वर्क भी है और इंटरनल एनर्जी भी है, इसी दोनों को मिला के, ठीक है, इसी दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देंगे, एंथैल्पी कह देंगे, एंथैल्पी। अगर मैं हाँ अगर सिंपल शब्दों में लिखूं, एंथैल्पी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी मैं फिलहाल एच लिखूंगा क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U प्लस W, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी हम लोग कह देते हैं। कहते हैं मैथमेटिकली इट इज हीट कंटेन इन द सिस्टम मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है ये कब आ रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आ रही है। तो इस कारण से एंथैल्पी जो होती है एक मैथमेटिकल टर्म है जो सिस्टम के अंदर हीट करते, चाहे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चाहे वर्क एनर्जी के फॉर्म में, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एंथैल्पी कह देते हैं। तो ये कहते हैं द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, पीवी मतलब क्या हो गया, वर्क, इज नोन एज एंथैल्पी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देंगे, एंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क को हम लोग क्या कह देंगे, इंथैल्पी कह देंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं चेंज की फॉर्म में निकालूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको इंटरनल एनर्जी में भी बताया था कि सिंगल चीज का कोई मतलब नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट डिटरमाइन। मैं ऐसे समझाता हूं कि मैं अकेला दौड़ा तो मैं अगर जीता भी तो मेरे को कोई कहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में जीता, कितना तेज दौड़ा, तो इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो किसी रिस्पेक्टिव में निकालते हैं, अकेले अकेले सिस्टम का नहीं निकाल पाते। इसीलिए एंथैल्पी भी आपका जो है सिंगल नहीं निकाल सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, सो वी डिटरमाइन द चेंज इन एंथैल्पी। तो हम इसलिए इसको क्या करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को जो है क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, और जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर पाथ स्टेट फंक्शन, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, मैंने पिछले क्लास में भी लिखा था, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये अमाउंट पे आप नया भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, स्टेट फंक्शन पे होंगे। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटी
which depend upon initial and final position. Very good. Which depend upon initial and final point. ठीक है, जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका स्टेट फंक्शन कह देते हैं। तो इंथैल्पी जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, आपके स्टेट फंक्शन हो जाते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना कि एच की जो यूनिट है, एच क्या है, यानी कि इंथैल्पी क्या है, एनर्जी है। इंथैल्पी जो है वो क्या है, आपका एनर्जी है। तो एनर्जी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, जूल होती है। जूल। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी यहाँ पे इंथैल्पी की जो यूनिट हो जाएगी वो जूल हो जाएगी। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन के दौरान पर मोल निकालते हैं, यानी कि मोल के हिसाब से निकालते हैं कि कितने मोल का है। तो इसीलिए इसको एक और यूनिट भी लिखा जाता है, किलो जूल पर मोल लिखा जाता है। अच्छा मुझे बताइए कि H का सिग्निफिकेंस होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं, वेरी गुड। किसका सिग्निफिकेंस होगा, डेल्टा H का, क्योंकि हमने आपको बताया कि कभी भी सिंगल H या U हमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता। अब मैं कहूंगा कि मेरे अंदर कितना हीट कंटेंट है, तो आप कहोगे सर किसी के रिस्पेक्ट में, हम कैसे पता करेंगे मेरे अंदर हीट है या नहीं है। अगर जब मैं किसी सिस्टम की बात करूं कि उसके अंदर हीट है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो हम रिस्पेक्टिव से देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, H जो है वो सिंगल का नहीं निकालते हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन जो है एंथैल्पी निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी हो गया। हाँ जी बोलिए मुस्कान। ओके, तो यहां से हमारे पास ना डेल्टा एच निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो कहोगे कि सर आपने जो है क्या कीजिए कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, ओके। या हम इसको पीवी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये जनरली आपका कब यूज होगा, जब आपके पास क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हो। जब आपके पास क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हो। ठीक है, और ये कब होगा, जब आपके पास क्या हो, वेरिएबल कांस्टेंट हो या वेरिएबल प्रेशर हो, तब इस प्रेशर का यूज करना। 90% हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन कई बार जो है इससे भी पूछ लिया गया है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को भी हमें ध्यान रखना है। ये वेरिएबल प्रेशर होगा या चेंज इन प्रेशर हो रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको ज्यादा समझ आए। ओके, अब यहां पे देखिए कहता है कि 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस स्टेट चेंज 2 atm 3 liter से जो है यहाँ पे कितना जा रहा है, आपका जो इतना जा रहा है। इंटरनल एनर्जी दिया है, इंथैल्पी पूछा है। तो सबसे पहले हम इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि प्रेशर तो चेंज है, अलग अलग प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। बोलिए क्लियर है। ओके, यस सर। आपको इंटरनल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 30 liter एटीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, 30 liter एटीएम लिख लिया। ओके, प्लस पी टू वी टू, तो पी टू 4 है, वी टू 5 है, तो मैं सीधे सीधे लिख दू 20, या एक स्टेप लिख ही देता हूं, नहीं तो बाद में आप कहोगे कहां से ले आए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 × 5 माइनस 2 × 3,
पेटीएम लीटर। ओके तो यहां से हमने माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 6 एटीएम लीटर। ओके अगर हमने लिखा तो यहां से हमारे पास 30 माइनस 14 तो यानी कि कितना हो जाएगा 44 एटीएम लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखो उन्होंने नॉट कांस्टेंट है तो इसलिए जो है कहता है कि नहीं निकाल सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन से जो है हमें बच के रहना, जनरली बच्चे इसका जो है आंसर मार देते हैं। ओके अब वो कहता है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। आइसोथर्मली में क्या होगा, आइसोथर्मली में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है यहाँ पे जो हमने क्या करा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करा दिया। ठीक है ओके हमने जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट करा दिया। अब मुझे बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास कोई डाटा तो दिया नहीं है, हम क्या करते हैं कि P2 V2 की जगह पे हम जो है क्या करते हैं इनकी वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान सुना कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ठीक है अकॉर्डिंग टू द किसके बॉयल्स लॉ से, अगर बॉयल्स लॉ से क्या कहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो जब ये इक्वल होगा तो क्या इन दोनों की जगह पे जीरो लिख सकते हैं। यस सर। ओके तो यहां से हमने लिख दिया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और आपको मैंने बताया था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, और जब ये आइसोथर्मली है तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब है डेल्टा यू भी कितना हो गया जीरो, तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा जीरो जीरो। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, डेल्टा एच इन साइक्लिक प्रोसेस भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जैसे इंटरनल एनर्जी में होता है उसी तरीके से यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि डेल्टा एच अगर मुझे निकालना हो तो एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, और अगर हमारे पास डेल्टा एच स्मॉल चेंज के लिए हमें निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे एन सी पी डेल्टी, अगर जब आपके पास क्या हो स्मॉल चेंज हो तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। खैर हमें इंटीग्रेशन के लिए करते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर इंटरनल एनर्जी होगा तो वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होगा, एंथैल्पी होगा तो वो कब हो जाएगा आपका कांस्टेंट किस पे हो जाएगा प्रेशर पे हो जाएगा। अब हम यहां से निकालते हैं कि फाइंड द एंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है तो हमने जो यहां लिख लिया एन की वैल्यू कितनी दी हुई है कहोगे 2, सी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब यहां पे सी पी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमने आपको सीपी की वैल्यू निकालना सिखाया था, तो सीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आर प्लस एफ बाय टू आर। ओके अगर हमारे पास कहीं से आर निकल जाता है तो हम इसका जो है सीपी निकाल लेंगे, और आपको पता है कि हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है, कहोगे मोनो एटॉमिक है सिंगल एटम होता है H2 होता O2 होता तो हम लोग कहते डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक S4 होता P5 होता तो इस प्रकार से हम कहते पॉली एटॉमिक है CO2, लेकिन यहां तो सिंगल एटम तो ये कैसा हो गया मोनो एटॉमिक। और आपको पता है मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी लेते हैं बोलिए, कहोगे 3, डाई एटॉमिक लिए कितना लेते हैं 5, पॉलीएटॉमिक लिए कितना लेते हैं 6, लेकिन हमारे पास तो मोनो एटॉमिक है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू मोनो एटॉमिक लिए हमने कितना ले लिया 3,
थ्री रह गया। अब जैसे लिया तो सीपी की वैल्यू की जगह पे हम लोग लिखते हैं आर प्लस थ्री बाय टू आर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फाइव आर बाय टू। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। ओके अच्छा आर की वैल्यू को हम कैलोरीज में ले लेते हैं तो अप्रोक्स में कितना आ जाता है? टू कैलोरीज आ जाता है। ठीक है तो यहां से हमारे पास सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? फाइव आ गई। टू से टू कट जाएगा तो कितना आ गया? फाइव आ गया। अच्छा सीपी की वैल्यू हमने जो है फाइव निकाल लिया। अब हम बात करते हैं डेल्टा टी की, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अगर सबसे पहले याद रखना कि जब भी टेम्परेचर करना हो तो केल्विन में कन्वर्ट करना, लेकिन जब डिफरेंस की बात हो सेल्सियस और केल्विन में तो सेम ही आ जाता है। यहाँ पे चेंज भी कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और यहां से इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 500 कैलोरीज आ गया। ठीक है तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि चेंज इन एंथैल्पी निकाला। एक और बात याद रखना कि एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कब हो जाती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाती है। ओके हमने ये बताया कि हम रिलेशन निकालना चाहते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में। अच्छा आपको मैंने बताया था कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी। एनआरटी क्या मैं पी वी की जगह एनआरटी लिख दूं? यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी लिख दिया। ठीक है ओके अब हमने यहाँ पे क्या करा कि इस प्रकार से डेल्टा एच इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी का जो हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, वो जनरली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, क्योंकि आप उसका जो है प्रेशर टेम्परेचर तो चेंज नहीं करोगे। तो जिस कारण से ये जितने भी रिएक्शन होंगे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है तो जब ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होगा तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिर्फ वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। अगर जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना कम मोल होगा। यहां से ये रिलेशन कोई बस याद रखना था, कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अब वो देने जा रहा हूं। यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डेल्टा एच क्या है, मैं सबका लिख देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेंज इन एंथैल्पी। ओके इसको हमने क्या कह दिया? चेंज इन एंथैल्पी। और ये क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके यहाँ से एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। और आर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आइडियल गैस। कांस्टेंट आइडियल गैस। ठीक है और ये जो टी है ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इन सभी को जो हमने क्या करा जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो हम सबसे बात करते हैं कि हमारे सामने सबसे समस्या आ जाएगी कि हम किसी रिएक्शन का कैसे एन निकालेंगे। तो याद रखना कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को आप क्या मान लीजिएगा? मोल मान लीजिएगा। आपको याद हो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था स्टोइकोमेट्री से जो है कैसे निकालते हैं। तो जो भी दिया रहेगा और यहाँ पे एन जो है ना वो सिर्फ गैस का लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, एन जी जो है ना सिर्फ गैसियस मोल लेना है, इसका मतलब है। और डेल्टा एन जी का वैल्यू होता है एनपी माइनस एन आर फॉर गैसियस। यहाँ पे NP का मतलब क्या हो जाता है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट। गैसेस जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट
ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है, सॉरी एनपी लिए ना तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एन आर का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अगर जब गैसियस स्टेट होगा तब आपको क्या करना है कि इसका लेना है, ये ध्यान रखना कि सॉलिड और लिक्विड का जीरो लेते हैं, अगर आपके सवाल में कभी भी आ जाए तो वहां पे हम लोग जो लेते हैं वो किसका ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है क्या करा, इसको जो है अब आपके पास जो है क्वेश्चन है कि पूछता है कि डेल्टा एच कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा और कहाँ पे जो है ये इस जो है इस प्रकार से होगा। ओके, आपके पास इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि जब हमारे पास रिएक्शन लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन का अगर जब मैं लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं, अगर मेरे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालना है तो हमने कहा था कि एनपी माइनस एनआर, तो यहां पे जो प्रोडक्ट का सिर्फ लेना है, सपोज करो यहां पे कुछ और भी होता सॉलिड में तो नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ हमें किसका लेना है गैसेस, क्या ये गैस है, हाँ, तो प्रोडक्ट में कितने मोल गैस है, जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उसका प्रोडक्ट मतलब जो है मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, टू, तो ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा माइनस, ठीक है ध्यान सुना। अब देखिए रिएक्टेंट में कितने मोल ऑफ गैसेस है, थ्री तो हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन का भी तो एक है, फोर, वन फोर, तो फोर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई, ठीक है ओके। अब यहां से हमने डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल ली, अब हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी, तो मैंने यहां से क्या करा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू और डेल्टा एनजी की जगह पे माइनस टू आर टी लिख दिया। बोलिए यहां तक क्लियर है, यस सर, ओके। अब हमने यहां पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टू आर टी लिख दिया। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू बड़ा होगा, कह रहे कि बच्चे डेल्टा एच बड़ा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मुझे बताइएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टू आर टी, ये अगर 10 है ये 12 माइनस 2 होगा, बोलिए यही तो होगा, yes, अगर ये 12 माइनस 2 है तो इसका मतलब देखिए किसकी वैल्यू बड़ी है, डेल्टा यू की। तो आप लोग ध्यान रखना कि जिसके साथ माइनस लगा रहता है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो है वो किसके ग्रेटर देन है, डेल्टा एच से। अब मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस प्रकार से जो है डेल्टा एनजी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग बताइए कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, डेल्टा एच की या डेल्टा यू की, आप लोग कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, फिर मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ओके, और किन्हीं का आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए मैं जो है फॉर्मूला लिखता हूं,
मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ओके। अब यहां पे हम लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एन पी माइनस आर एन आर। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कितना गैसियस स्टेट में है, दो, यहाँ पे जो है टू लिख, और रिएक्टेंट में कितना है, टू वन प्लस वन यानी कि टू, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, जीरो। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो आ गई, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा यहाँ पे डेल्टा एन जी की जगह आर टी रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो आपको ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो है आपको जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको जो है कैलकुलेट कीजिएगा। डेल्टा एच ग्रेटर होगा। ओके वेरी गुड, थैंक यू। सभी ने जो है मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा एक दो बच्चे और बना लीजिए, दीक्षा आप बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए, दीक्षा वंशिका पलक कशिश अंशी अंशिका आरुषि मीनाक्षी सुमन कृतिका चांदनी स्नेहा, तो आप लोग भी जो इसको फटाफट से बना लीजिए। ओके चलिए मैं बना दूं, क्या बना रहे हैं सर, बनाइए। ठीक है मैं आपको एक मिनट का 13 पे मैं शुरू कर दूंगा, जिसका बन जाए को रेज हैंड करेंगे। ओके क्या होगा आंसर दीक्षा, वेरी गुड, डेल्टा यू बड़ा होगा, डेल्टा यू। अच्छा डेल्टा यू जो है बड़ा होगा। शिवम आप बताइए, डेल्टा एच बड़ा होगा। ओके चलिए ठीक है वेरी गुड। अब हम यहाँ पे जो है कैलकुलेट भी कर देते हैं। अब आपके सामने क्या है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ओके। अब मुझे बताइए कि डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन पी माइनस एन आर। अब जब ये एन पी की वैल्यू आपको सॉलिड के लिए लेना है क्या, नहीं, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेना, गैस के लिए लेना। तो गैस यहाँ पे कितना है, गैस वन है। अब यहाँ पे वन है तो इधर साइड कितना है, वन जीरो, नहीं जीरो है, क्योंकि ये जो है हमने कहा था सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या ले लेना, जीरो ले लेना। तो यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ओके अगर जो डेल्टा एन जी की वैल्यू वन आ गई तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी हो जाएगा, डेल्टा एन जी की जगह पे वन रख दिए तो ये हो गया। अच्छा इसको मैं बताइए कि डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू, ऐसे समझिए ये अगर 12 होगा तो ये 10 प्लस 2 होगा, तभी तो होगा दोनों ऐड करने पे। इसका मतलब है इस बार आपका डेल्टा एच क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन डेल्टा यू। ओके ठीक है आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।